हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है 111 टैरो चैनल के अंदर। और आज की रीडिंग जो है होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कब करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, कलेक्टिव चाहिए थी आप लोगों को, इसलिए मैं कलेक्टिव लेकर आई हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला था मैम प्लीज़ कलेक्टिव बनाएं इसका, बिकॉज के कारण हमसे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ओके तो कुछ कार्ड आए हैं यहाँ पे हमारे पास, देख लेते हैं क्या है। समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको रीडिंग्स अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। स्ट्रेंथ एस ऑफ पेनिकल्स, मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, आप इस पर्सन से चाहते हो एक तरीके का कमिटमेंट, एक तरीके का सॉलिड कमिटमेंट आप इस पर्सन से चाहते हो, और ये जो पर्सन है आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहा है बिकॉज इसकी अपनी खुद की बहुत सारी मजबूरियां हैं। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने कमिटमेंट दिया और ये उस चीज को पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। ठीक है, आप तो इसको पॉइंट आउट कर दोगे कि हाँ भाई तुमने तो ऐसे बोला था, तुमने ऐसे नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, इसके मदर इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये पर्सन हर वक्त इसी तरीके के ट्रॉमा में रहता है कि अगर मेरी मदर को पता लगा तो वो क्या एक्शन ले लेगी मेरे खिलाफ। ठीक है, इस वजह से भी पर्सन आपको किसी तरीके का कोई कॉल मैसेज या कमिटमेंट नहीं देता है। ओके, हो सकता है इसकी मदर को ना आप दोनों का मिलना नहीं पसंद, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ना कुंद होते रहते हो, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो। आपको ऐसा लगा रहता है कि यार क्या है ये जिंदगी है, ना बंदा जा रहा है ना बंदा आ रहा है, किसी तरीके का स्ट्रगल चल रहा है बस मेरी जिंदगी में, और ये स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इस पर्सन से। कई बार इतना हद वाला वेट कर चुके हो आप और बंदा किसी तरीके का कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ठीक है, आपने इस पर्सन की वजह से एक तरीके का टावर मोमेंट भी सहा है। ये बंदा आपको ना स्टॉक भी करता है, मतलब देख रहे हो आप किस तरीके की एनर्जी है, बंदा प्यार भी करता है, बंदा आना भी नहीं चाहता है, हर वक्त हर तरीके का एक तरीके का ट्रॉमा सहते रहते हो आप लोग। आपको समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है एक्चुअल में मेरी जिंदगी में, इस चीज का कोई अंत भी होगा या नहीं होगा, इस तरीके के ट्रॉमा में आप हर वक्त रहते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस बंदे का कॉल मैसेज टेक्स्ट आपको कब आने वाला है। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कब कॉल मैसेज आएगा इनका। सब्र करो, सब्र करो, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए आप लोगों को। बंदे के मन में जितनी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं गई नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बंदा हर चीज भूल भाल करके बस बैठ गया है शांति से, ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन हो सकता है जल्द आपको कॉल मैसेज ही नहीं, आपसे मिलने के लिए भी आए। ओके, और कब तक आने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये पर्सन किसी तरीके का वेट कर रहा है, किसी अच्छे समय के आने का वेट कर रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन किसी तरीके के अच्छे समय के आने का वेट कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सही समय का इंतजार इस बंदे को चल रहा है। और आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारी प्रेयर्स करी है, बहुत कुछ किया है आपने इस पर्सन के लिए, एंड फाइनली ये जो पर्सन है आपको लेकर के सीरियस होना शुरू हो चुका है। इसके दिमाग में ये पॉइंट आता रहता है यार ऐसे भी मैं हर्ट हो रहा हूं, वैसे भी मैं हर्ट होऊंगा, तो इससे बेटर यही है कि मैं ना वैसे हर्ट हो लेता हूं ताकि मैं बंदी के साथ तो होऊंगा एटलीस्ट। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा थॉट आ जाता है ना दिल में, वो ये कि अगर मैं उसके पास चला गया तो भाई इतना ज्यादा बवंडर खड़ा हो जाएगा ना मेरी जिंदगी को। टावर कार्ड, ठीक है, और ये बवंडर अभी ये बंदा झेलने की हालत में नहीं है। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये बंदा आपको जल्द कॉल मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बंदा मुझे मिलने के लिए बुलाने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ये बंदा मिलने के लिए बुलाने वाला है। बंदा बंदी, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन विल अप्रोच यू फॉर अ मैरिज। बहुत जल्द वो सिनेरियो आएगा जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा शादी के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे फोर ऑफ पेनिकल्स, हो सकता है इस पर्सन की जिंदगी में अभी करियर को लेकर के, मनी को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही हो, इसलिए ये पर्सन वेट कर रहा है इतना ज्यादा कि थोड़ा सा इधर से ठीक हो जाए, उसके बाद में मैं ना आगे चल करके इस बंदी को मैसेज कॉल या टेक्स्ट करूंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कब तक कर सकता है और इस बंदे के मैसेजेस क्या है आपको लेकर के। अभी तो इस
पर्सन की जिंदगी में ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं, अभी तो ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं, थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है सब्र करना पड़ेगा। कितना प्लीज एंजल्स बताएं कितना सब्र करना पड़ेगा। ओके दिस वन, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 2 days, 2 weeks, 2 months, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे 2 days और 2 weeks लग रहे हैं, ठीक है, 2 days और 2 weeks मुझे लग रहे हैं। आप लोगों को इतना ही वेट करना पड़ेगा, बंदा वापस आएगा, ये जो इतना स्ट्रगल चल रहा है ना इसकी जिंदगी से जाएगा इतना स्ट्रगल, ठीक है, आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा। ओके थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी इस पर्सन का कॉल मैसेज टेक्स्ट आपको आने वाला है, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए। ओके हमारे पास है, बहुत रोना आता है यार, डेफिनेटली बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मैंने बोला ही था आप लोगों को, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने कहा था ना कि मनी का कहां गया वो काड़ियेरा, मनी का कोई इश्यू है, ये बंदा ट्राई कर रहा है एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके पास जल्द आएगा किसी तरीके का कमिटमेंट लेकर के। क्या हम मिल सकते हैं? मैंने कहा था ना मैंने ये बंदा मिलने के लिए बुलाएगा आप में से कई लोगों को। आई मिस यू, क्या डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। फिर हमारे पास है 7, 8, 9, तो हो सकता है अभी देखो नवंबर की वो सॉरी जनवरी की आने वाली है ना डेट 7, 8, 9 भी, ठीक है, तो हो सकता है ये आए, सिर्फ याद का सिलसिला है, बहुत ज्यादा याद करता है ये बंदा आपको। फिर हमारे पास है आई लव यू, फिर ये कार्ड क्या है, बिग मुस्टैचेस, हो सकता है इस बंदी की बड़ी बड़ी मूछे हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ठीक है, परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान है बंदा। फिर हमारे पास है आजा पिया तो ही प्यार दूं, दिस इज अ सॉन्ग, मेरा वेट करना मैं आ रहा हूं, ठीक है, इनका इंतजार करो आप, मैंने जो बोला था ज्यादा से ज्यादा 2 days और 2 weeks, सी यूनियन बस 2 week की बात है, आई एम स्टक, अभी बंदा बहुत ज्यादा स्टक है। फिर है हमारे पास एवरीवन लेफ्ट मी, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। फूडी प्लस फन लविंग, हो सकता है बंदा फूडी हो या फन लविंग हो। यू रिस्पेक्ट मी, आप इसकी बहुत कदर करते हो, सी कॉल मैसेज टेक्स्ट, मैंने कहा था ना कॉल मैसेज टेक्स्ट, बहुत जल्दी इस बंदे का कॉल मैसेज आने वाला है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 2 weeks or 2 months। फिर है हमारे पास यू टेक केयर ऑफ माई नीड्स एंड देन वी हैव, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अकॉर्डिंग, 2, 2, 2 आपको दिखता होगा ये नंबर, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, दिस इज अ सॉन्ग, हो सकता है आपने इस बंदे को ब्लॉक कर रखा हो या इसने आपको ब्लॉक कर रखा हो। पी यहाँ पे इनिशियल है हमारे पास। फिर है चीजें सही नहीं है। ओके एक कार्ड और है हमारे पास यहाँ पे, तुझ में रब दिखता है, हो सकता है ये गाने आप लोग गुनगुनाते हो साथ में, एंड प्लीज कम अगेन। ओके तो ये कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए थे, आई होप आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा रहने वाला है, आप लोगों को एक तरीके की गाइडेंस मिलेगी। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, मुझे जरूर बताएं आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें।